जहाँ यीशु ये सारी गल न करी बैठे तहाँ से कफरनहूम कस्बे जो वापस हटी गए। तित्ते एक सूबेदार थिया अते तिसेरा एक नौकर थिया जे कि तीसो बड़ा प्यार करता थिया। से बीमारी री वजह करे मरने जो हो ही गया थिया। तिस हाकिम ने यीशु रे बारे अंदर बड़ी गलना सुने री थिया। इधे ताई तिन्ने किछ यहूदी लोकां रे बुजुर्गां जो यीशु का ए बिनती करने ताई भेजिया कि से आई करी तिसे नौकर जो ठीक कर दें। तां से यीशु का जाई करी तिन्ने छंदे करी करी बोलने लगे कि तुसी ऐसा करने असा रे हाकिम रे नौकर जो ठीक करने ताई चलो कि जो किसे हाकिम असा यहूदियां कने बड़ा प्यार रखता अते तिन्ने ही असा ताई सब असल जो बनवाया रहा है। यीशु तिन्ना कने चली पे ते जहाँ से सूबेदार रे घर रे नेड़े पुजे तां सूबेदार ने अपने मित्रों का एक लाई भेजा कि ओ प्रभु जी तुसा मेरे घर आने की तकलीफ मत करो कि जो कि मैं इस जोगा नहीं है कि तुसा मेरे घर आण। अते इसी वजह करे मैं आपू जिस जोगा नहीं समझा कि तू सारे नेड़े भी आई सका। देर ताई तुसा जितते हिन तित्ते का ही अपने मुँह का बोली दो कि मेरा नौकर ठीक हो जाए तद इन्ने ठीक हो जाना कि जो कि मैं भी कुछ किरे हेठ काम करने वाला मनु है अते किछ सिपाही मेरे हेठ भी हिन। जे अगर तिना जो मैं खुद के जाने ताई बोलदा तां से जान दे आने ताई बोलदा तां से आन दे। ते अगर मैं अपने नौकरा चो बोलदा कि एक काम कर या से काम कर तां से तीं यही कर दे। ये सुनी करी यीशु हैरान हो गए अते तिना ने अपने पिछे आने वाले मनुआ जो बोलिया कि इस गैर यहूदी मनु साई का विश्वास कभी इसराइल के मनु अंदर भी नहीं दिखा। फिर जे मनु ते सूबेदार ने भेजे रे थिए से घरे जो हटी आए अते तिना जो दिखा किसे बीमार नौकर जे मरने वाला थिया से बिल्कुल ठीक हो गया है।